नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम्स किचन में। आज हम बनाएंगे उड़द दाल और लौकी को मिक्स करके सब्जी, जिसके लिए मैंने ये आधा कप उड़द दाल ले लिया है। इसको अच्छे से धो के हम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और ये मैंने 250 ग्राम लौकी ले लिया है, इसको छील के अच्छे से धो के छोटे पीस में कट कर लेंगे। इस सब्जी के लिए हमें मसाले क्या चाहिए वो हम आपको दिखा दें। ये देखिए, छोटी चम्मच हमने नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। ये आधी छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च ले लिया है। ये 1 छोटी चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। और ये 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। और ये 1 छोटी चम्मच जीरा है जो हम तड़के में डालेंगे। ये तेज पत्ता 2 छोटे टुकड़े हैं। और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और ये हींग है जो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। हींग इस सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हींग जरूर डालें। और ये प्याज ले लिया है हमने ग्रेवी के लिए, 2 मीडियम साइज की प्याज ले लिया है। ये 1 छोटा पीस प्याज का और ले लिया है, 1/4 हिस्सा। ये 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है जो 1 इंच के करीब है। ये 5-6 कली लहसुन है, 2 हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज का टमाटर है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, टमाटर का अलग पेस्ट बनाएंगे, बाकी सारा हम मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लौकी को छील लेंगे। ये लौकी को हमने छोटे पीस में कट कर लिया है। ये 250 ग्राम लौकी लिया है हमने। दाल फूल गई है अच्छे से। चलिए इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका एकदम दरदरा पेस्ट हमें बनाना है। अब हम गैस ऑन करेंगे। ये हम कुकर में बनाएंगे। और ये सब्जी बनाने के लिए हम सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया है। सब्जी मैं 2 से 3 लोग के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब से तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने प्याज लहसुन हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लेंगे। तेल गर्म हो गया है, पेस्ट भी तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से पेस्ट बना सकते हैं, थोड़ा दरदरा या एकदम महीन पेस्ट। अब हम तेल में डालेंगे तड़का। मैंने तेज पत्ता दालचीनी डाल दिया है, जीरा हींग डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से, अब इसमें हम डालेंगे ये जो मैंने पेस्ट बनाया है। गैस फ्लेम को हमने एकदम लो रखा है अभी। पेस्ट मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। गैस फ्लेम को हमने हाई कर दिया है अभी। अभी हम 2 मिनट से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। फिर इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये अच्छे से उतनी देर में भून जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है। सामग्री मैंने आपको दिखा दी थी, और अब हम ये बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं ये दिखा रहे हैं। अभी मैंने गैस फ्लेम को लो कर दिया है, एकदम पूरा लो कर दिया है हमने। अब इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इसमें हम अभी अब मसाले डालेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें तेल दिखने लगा है साइड से। ये हम कुकर में बना रहे हैं। गैस फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है अभी मैंने। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला।
अब इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। ये देख सकते हैं कितना अच्छे से भुन गया है ये। जैसा कि हमने कहा था कि हम उड़द दाल का पेस्ट बना के इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया है। ये देखिए मैंने एकदम दरदरा सा पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो एकदम फाइन पेस्ट बना ले, क्योंकि दरदरा इसमें दरदरा पेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको दरदरा ही रखेंगे। अब इसे भी हम इसमें डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे 2 मिनट। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। लौकी और उड़द दाल की ट्रेडिशनल सब्जी। मैंने गैस फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है, अभी मैंने बढ़ाया नहीं है। इसको अच्छे से पहले हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भूना, ये अच्छे से भुन गया है, मसालों में अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए अब इसमें हम लौकी डालेंगे, देख सकते हैं मैंने लौकी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये मैंने 240 ml पानी लिया है 1 कप, और अब इसमें 1/2 कप पानी अभी और हम डाल, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गैस फ्लेम को भी मैंने एकदम हाई कर दिया है। देखिए 1/2 कप पानी और मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। अब इसे हम कुकर को हम बंद कर देंगे, 2 से 3 सीटी दिलवाएंगे, उसके बाद बस ये पक जाएगा। देख सकते हैं अब हम गैस के ढक्कन को बंद, कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, और अब इसमें हम सीटी लगा देंगे। अब इसे हम 2 से 3 सीटी दिलवाएंगे। ये देखिए 3 से 4 सीटी हो गया है, गैस कर दिया है। अगर 3 से 4 सीटी में अगर लौकी नहीं पकती है तो हमें 2-4 मिनट और पका लेना है। उसके बाद ये मैंने 3 से 4 सीटी दिलवा दिया है, और इसे अब हम चेक कर लेंगे कि लौकी हमारी पकी है कि नहीं पकी है। उसके बाद अगर नहीं पकी होगी तो हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, थोड़ा कुकर ठंडा होगा हल्का सा, तब इसको हम खोलेंगे। देखिए प्रेशर कुकर खुल गया है। देखिए कितने अच्छे से सब्जी बन गई है। हम इसमें से लौकी निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब 1 चम्मच ले लेते हैं, उससे चेक करेंगे। ये देखिए लौकी भी एकदम पक गई है। ये देखिए लौकी अच्छे से पक गई है। ये
और इस सब्जी के साथ हम बनाएंगे चावल। इसके साथ आप रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी कुछ भी खा सकते हैं। ये चावल हम बना के दिखा रहे हैं आपको। मैंने एक कप चावल लिया था, इसमें हम दो कप पानी डाल, देखिए एक कप पानी हुआ, दो कप पानी, जैसे कि चावल कप में ऊपर तक भरा हुआ था तो आधा कप पानी और हम डालेंगे और इसे हम दो सीटी दिलाएंगे। चावल पक गए हैं, दो सीटी हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब इस सब्जी में हम एक टुकड़ा मक्खन का डाल देंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप मक्खन डालें। नहीं डाल के इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देख सकते हैं चावल और सब्जी बन के रेडी हो गया है, लौकी और उड़द दाल की मिक्स सब्जी। और ये मैंने चावल बना लिया है इसके साथ। इसके साथ आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं। और ये देखिए चावल भी कितने खिले खिले बने हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब